अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में सविता इंदिरा रेड्डी जी मैडम की जानिब से यहाँ पर जो है ना एक धरना हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। रैली जो है ना मैडम की हिदायत पर यहाँ पर रैली भी निकाले हैं, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर कल पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना के लिए अगेंस्ट जो बोले हैं उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को, बीजेपी गवर्नमेंट को, कि यहाँ पर जब से तेलंगाना अलग हुआ है बेहतरीन जो है ना डेवलपमेंट है यहाँ पर हमारे तेलंगाना में। और हमारे ये चंद्रशेखर राव केसीआर साहब की जानिब से तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना कोई भीख में नहीं लिए, तेलंगाना लड़ के हासिल कर रहे हैं केसीआर साहब। और मैं तमाम लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी जो माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट में जितने जुल्म हुए कोई गवर्नमेंट में जुल्म नहीं हुए। और 70 साल से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो TRS गवर्नमेंट आने के बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। भाई यहाँ पर जो है ना हर वह चीज़ के लिए, और इससे पहले आप लोग देख सकते हैं अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी जो है ना जाकर वहाँ पर तेलंगाना के एक उन्होंने भी जो है ना बेटे है बोलकर केसीआर साहब तारीफ करें तो वो भी नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर जब परसों नरेंद्र मोदी आए तो हमारे केसीआर साहब उनको रिसीव करने के लिए नहीं गए, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ केसीआर साहब का, नरेंद्र मोदी को ठुकराए हैं तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है ना यहाँ पर आग जो है ना उगर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये केसीआर साहब झुकने वाले नहीं है और यहाँ पर TRS गवर्नमेंट झुकने वाली नहीं है बीजेपी के सामने। हम यही बात बताना चाह रहे हैं, TRS गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाली एक जमात है TRS गवर्नमेंट। मैं इसी के साथ में मैं और एक बीजेपी वालों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर से तुम लोग यहाँ पे TRS वालों के साथ में या तेलंगाना के बारे में कोई बोलेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना तुम लोगों को कहीं एरिया तुम लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे बीजेपी वालों को। अस्सलाम वालेकुम। मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सविता इंद्रनी मैडम साहिबा की हिदायत पे आज जो है ना यहाँ पर हम लोग जलपति म्युनिसिपैलिटी शाहिद नगर चौरस्ता उस्मानिया होटल के चौरस्ते पर जो है ना आज हमारे जलपल्ली म्युनिसिपल के जितने भी हमारे काउंसलर और वार्डों के सदर और हमारे जलपल्ली म्युनिसिपल के यूके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं और मुकामी जो बस्ती के लोग हैं जलपल्ली म्युनिसिपल के जो कॉलोनियों के वार्डों के वो भी लोग हैं, सब जने जो है ना यहाँ पर आके आज बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ में आज धरना करे पोस्ट आज धरना दिए आज। और जो कल जो है ना नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट में जो बोले तेलंगाना जो सुना जो जहर उगले उन जो केसीआर को तेलंगाना देके बहुत बड़ी गलती करे उसी के बारे में ये जो सुना आज पूरे तेलंगाना में जो सुना ये धरने चल रहे हैं। इसके वास्ते बल्कि हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हमारे वाइस चेयरमैन ईशु पटेल साहब, हमारे पूरे काउंसलर हैं और हमारे जलपल्ली म्युनिसिपल के पूरे लीडर हैं TRS पार्टी के यहाँ, और यहाँ पर मुकामी लोग भी जो ना हमारे संगात में पूरे मिलके आज धरने दिए। वही बात से जो कर्नाटक में जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो लेडीज बच्चियों को जो है ना जो नोज पीस के वास्ते जो रखा हिजाब के वास्ते जो काले जो को नियाना जो बोल के जो एक वो लगाए उन लोगों बीजेपी गवर्नमेंट जो कर्नाटक की गलत है वो बिल्कुल वो वैसा नहीं करना चाहिए। ये जो है ना पूरा हिंदुस्तान में जो है ना ये कानून के खिलाफ में जा रहे हैं पूरा चीज़ है ये लोग। ये अभी हमारे ईशु पटेल साहब दो बात बोलेंगे।